हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएनपी फिनसो। दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो अलाइज ब्लू या जीरोदा या आस्था, तो यहां पर ओपन एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए और अकाउंट ओपन आप कर सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहां जाके आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आपने देख लिया होगा कि स्ट्रैटेजी जो है वो है बॉलिंजर बैंड और MACD को हम किस तरह यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरह यूज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला इसका क्राइटेरिया है कि जब भी यहाँ आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये MACD जो लाइन है ब्लू कलर की, ठीक है, तो ये MACD लाइन, ये दूसरी जो फास्ट लाइन है, ठीक है, इसे क्रॉस करनी चाहिए ऊपर। ठीक है, नीचे से MACD लाइन ब्लू वाली ऊपर की तरफ आनी चाहिए, ये सेकंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये पहला पार्ट। दूसरा, हमारा जो बॉलिंजर बैंड है, ठीक है, वो छोटा होना चाहिए साइज में। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ बॉलिंजर बैंड काफी छोटा है और यहाँ आप देखोगे तो बॉलिंजर बैंड काफी बड़ा है। ठीक है, ये एक सेकेंड पार्ट हो गया। तो हमारा बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया हमारा ये है कि ये जो दोनों बैंड्स के बीच में एक लाइन गई है, ठीक है, वो 20 मूविंग एवरेज है। तो जब भी हमारा MACD लाइन ये लाइन को क्रॉस करके ऊपर आता है, बॉलिंजर बैंड हमारा स्क्वीज है, और थर्ड, हमारा ये जो स्टॉक है वो 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर अगर जाता है, तो यहां पर हमें स्टॉक बाय करना चाहिए। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हमको पता चल जाएगा स्टॉक विल बी इन अप ट्रेंड। तो अगर आप यहां भी आप बाय करते हो तो प्राइस इज अराउंड 4600 और आप इजीली यहां पर अपना ट्रेड बुक्स कर सकते थे, इट इज अराउंड 5500। ठीक है, इसे बैक टेस्ट भी हम कर सकते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं। वापस आइए देखते हैं। देखिए यहां पर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज है, ठीक है, वो हमने बाई की एंट्री देखी थी, अब हम लोग सेल की एंट्री देखते हैं। देखो, जैसे ही MACD लाइन ने इसे क्रॉस करके नीचे आए, ठीक है, सेकंड, हमारा बॉलिंजर बैंड स्क्वीज है, थर्ड, 20 मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे हमारा स्टॉक आएगा, तब हमें यहां पर अपनी पोजीशन को कट कर देनी चाहिए या फिर हमें सेल कर दे देना चाहिए। देखो, यहां पर अगर हम सेल करते तो प्राइस था 8360 और ये स्टॉक देखो कितना नीचे आ गया है, इट इज अराउंड 6610। ठीक है, तो एक हो गया बाइंग का क्राइटेरिया, दूसरा हो गया सेलिंग का क्राइटेरिया। अब हम बाइंग का क्राइटेरिया वापस एक बार देख लेते हैं, ठीक है, बैक टेस्ट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर MACD लाइन ने क्रॉस किया ऊपर जाने के लिए, सेकेंड, आपके स्टॉक ने यहां पर मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। तो अगर हम यहां पर बाइंग का पोजिशन लेते तो प्राइस होता था 6172 और इजीली आप देख सकते हो कि यहां भी हम पोजीशन बुक कर सकते हैं 7722। ठीक है दोस्तों, और ये सभी टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है, आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो, आई विल शो यू। देखिए दोस्तों, कहीं भी देख सकते हो, ये MACD लाइन को आप देखना है सबसे पहले, पहले क्राइटेरिया कि देखो MACD लाइन यहां से क्रॉस हुआ, बॉलिंजर बैंड आपका स्क्वीज है, सेकंड जब था कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ऊपर गया, यहां अगर आप बाय करते तो प्राइस था 279 और यहां आप देखते प्राइस था 360। ठीक है, ये सभी जगह पे एप्लीकेबल होगा, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कीजिए, कोई भी स्टॉक पे यूज कीजिए, इट इज एप्लीकेबल। यहां भी आप देख सकते हो दोस्तों, देखो MACD लाइन ने क्रॉस करके ऊपर गया, बॉलिंजर बैंड यहां पर स्क्वीज है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही स्टॉक गया, यहाँ पर आप बाई पोजीशन बनाते और देखिए 311 से स्टॉक कितना चला गया, ऑलमोस्ट 364। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छी है। मैं आपको बता देता हूँ टाइम फ्रेम चेंज करके कि आप इसे 15 मिनट पे भी यूज करने की कोशिश करोगे तो ये काम करेगा। देखिए दोस्तों, लेट्स सी। देखिए यहाँ पर देखो MACD लाइन यहाँ से क्रॉस करके ऊपर जा रहा है और हमारा बॉलिंजर बैंड थोड़ा सा स्क्वीज है और ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही यहाँ गया, 194 का प्राइस था और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 204 पे ये स्टॉक बंद हुआ। ठीक है, तो आप इजीली इसमें ट्रेड कर सकते थे। ये हो गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम लोग और छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं 5 मिनट्स का। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि MACD लाइन जैसे ही इसने यहां से क्रॉस किया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक निकला। अगर आप यहाँ पोजीशन लेते तो प्राइस था 187 और आराम से यहाँ देख सकते हो 196-197 तक आप आराम से ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम। ठीक है, रेकमेंडेड तो नहीं है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना होगा क्योंकि काफी फास्ट ट्रेड करना होगा आपको इसमें। ठीक है, बट फिर भी बताने के लिए आपको कि ये सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है, बस आपको बैक टेस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद में आप चाहो तो इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है और अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही इसने MACD ने लाइन ने यहाँ पर क्रॉस किया, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, और यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज ने देखो यहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को स्टॉक ने क्रॉस किया। अगर आप यहाँ भी बाय करते स्टॉक 217 पे तो आराम से यहाँ पर आप 2-3 रुपया प्रॉफिट निकाल सकते थे। ठीक है, और भी देख लेते हैं ये स्ट्रैटेजी काम करती है क्या। मैंने बोला जितना ज्यादा स्क्वीज रहेगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ भी आप देख सकते हो जैसे ये MACD लाइन ने यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पर स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ पर आप ट्रेड लेते इजीली आराम से विद इन 5-10 मिनट्स में आपको 2-3 रुपए का प्रॉफिट हो जाता था। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम और मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको बताया। ये है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी काम करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर MACD लाइन ने यहाँ पर क्रॉस किया, 20 मूविंग एवरेज में यहाँ पर क्रॉस हुआ और स्टॉक देखो ऊपर चला गया। ठीक है, ये हो गया वीकली। मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे भी बता देता हूँ कि ये वहां भी काम करेगा। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आपका MACD ने क्रॉस किया, यहाँ 20 मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया और फिर स्टॉक ऊपर चला गया। ठीक है, हमको स्क्वीज देखना है सबसे पहला, तो देखो यहाँ पर स्क्वीज दिख रहा है, फिर MACD क्रॉस कर रहा है, ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक जा रहा है। अगर यहाँ पर भी आप पोजीशन लिए होते 197 पे तो आराम से 340 पे सेल कर दिए होते। ठीक है, ऑब्वियसली हम बॉटम और टॉप तो पकड़ नहीं सकते बट फिर भी हमको एक आइडिया आ जाएगा कि हमें बाइंग कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। फ्यूचर में हम और भी स्ट्रैटेजीज लेके आएंगे जो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया या आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो ज़ीरोधा या अलाइज ब्लू में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। टिल देन एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।